आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से समर्पण प्रार्थना मंच की ओर से। मैं पास्टर अमित संग्रवाल, आज हम सब बहुत आनंदित और मगन है मेरे प्रियो की प्रभु की इच्छा और योजना के मुताबिक परमेश्वर ने हमें फिर से एक मन और एक हृदय होने का सौभाग्य दिया है और ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा, जो जो समय निकट आते देखो। हालेलुया, हालेलुया। जो जो समय निकट आते देखो तुम तो एक दूसरे से मिलना, संगति करना और रोटी तोड़ना ना छोड़ो। हालेलुया। और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर चलेंगे और मैं आज आपको जो बताना चाहता हूँ, आज का जो पवित्र वचन है बड़ा ही सटीक और बड़ा ही आशीषित है। और इसलिए आशीषित है क्योंकि केवल परमेश्वर की ओर ताकने के द्वारा ही जीवन। हालेलुया। सो हमारा जो शीर्षक है परमेश्वर की ओर ताकना, परमेश्वर की ओर ताकना हमें जीवन प्रदान करता है। परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर की ओर देखना। क्या है एक छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता, जो समझना नहीं जानता, जो करना नहीं जानता, लेकिन जब तक वो माँ की गोद में रहता, हालेलुया, हालेलुया, मेरे अजीजों वो सुरक्षित रहता है। उसकी हर एक जरूरत, उसकी हर एक कमी घटी, उसकी हर एक बात मेरे प्रियो मांगने से पहले तो परमेश्वर की ओर ताकना जीवन को लाता है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं वचन बतलाना चाहता हूँ ये उस समय की बात है जब परमेश्वर ने मूसा और हारून के द्वारा, हालेलुया, मूसा और हारून के द्वारा इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला था। हालेलुया। और जब उनको निकाल करके लेकर के जा रहा था तो वो 6,16,000 लोग जो इसराइली थे और इसराइलियों के साथ और अन्य जातियां भी थी, वो टोटल 6,14,000 लोग थे वो। हालेलुया। और वो परमेश्वर उनकी अगुवाई करता हुआ लेकर के जा रहा था। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अचानक से एक विपत्ति उनके जीवन में आ गई। और क्या विपत्ति आ गई, आप मेरे साथ निकालिए मेरे अजीजों, हम देखेंगे आज गिनती की किताब उसका 21 अध्याय और 4 पद से लेकर के 9 पद तक देखेंगे हम। इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा 21 का 4 से। और यहाँ पर लिखा, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। हालेलुया। और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। देखिए, ये परमेश्वर के साथ चल रहे थे, ये परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, परमेश्वर इनके आगे भी था, परमेश्वर इनके पीछे भी था। हालेलुया। और परमेश्वर इनकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन इनके हटीले मन, इनके ढीठ मन, ये परमेश्वर के पीछे पीछे चलते चलते भटकने लगे। इन्होंने परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया। हालेलुया। ये अपना मार्ग खुद तैयार करने लगे। आमीन। मेरे प्रियो, ये अपना मार्ग खुद तैयार करने लगे और ये खुद भटकने लगे। और जब ये भटकने लगे, जब अपने मार्गों को इन्होंने अपना लिया, अपनी योजना अपनी इच्छा के अनुसार ये चलने लगे, तो मेरे अजीजों क्या है कि जब तक, मैंने आपको कहा ना, जब तक बच्चा माता की गोद में होता है वो सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही बच्चा कुछ चलना शुरू करता है तो वो कभी गिरता है, कभी चोट मारता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और मेरे अजीजों बहुत सी परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। आज मेरे अजीजों, आज दुनिया के हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, आज दुनिया की हालातों में, दुनिया की मुश्किलातों में, दुनिया के दुख और कलेश क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे अजीजों आज लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं रह गया है। वो उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि इंजेक्शन की दवाई बनाना, तो वो लोगों का नुकसान नहीं देख रहे, अपना अच्छा देख रहे। उनको अच्छा लगता है पाप करना, तो वो परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, वो पाप कर रहे हैं। हालेलुया। आज कल हम देख रहे हैं ये जो कोरोना बीमारी चली, इसका भय इतना, इसका संकट इतना भारी हो गया है, लोग इसके नाम से सुसाइड तक कर रहे हैं। और क्योंकि मेरे प्रियो क्यों ना हो, क्योंकि आज इसके नाम से बहुत सारे लोग मेरे प्रियो इसको बिजनेस बना चुके हैं। मैंने देखा, अभी मेरे पास व्हाट्सएप में आया ये न्यूज कि लोग इसको कोरोना बताकर जिंदे लोगों को मार रहे हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स निकाल ले रहे हैं। हालेलुया। बिजनेस कर रहे हैं, वुमेन पार्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं मेरे प्रियो। ये बहुत ही भयानक, और परमेश्वर ने कहा तू हत्या ना करना, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए लोगों को, जिंदे लोगों को मारकर उनके पार्ट्स बेचकर बिजनेस कर रहे हैं।
अपना बेनिफिट देख रहे हैं, दूसरा मर रहा है मरने दीजिए, दूसरे का हालात बिगड़ रहा है बिगड़ने दीजिए, दूसरा लूट रहा है लूटने दीजिए, दूसरा मिट रहा है मिटने दीजिए, दूसरे की बेइज्जती हो रही है होने दीजिए, दूसरा कंगाल हो रहा है होने दीजिए, दूसरा रो रहा है रोने दीजिए, दूसरा नंगा है रहने दीजिए, दूसरा भूखा है रहने दीजिए, दूसरा अंधा है रहने दीजिए। प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को कंसर्न नहीं, बोझ नहीं है लोगों के प्रति मेरे चीजों, और लोग करने में लगे हुए हैं। इतने बुरे हालातों में, इतनी बड़ी मुश्किलातों में भी लोगों के साथ मेरे प्रियो एक इंसानियत का व्यवहार नहीं कर रहे हैं मेरे अचीजों, और अपने फायदे के लिए मेरे प्रियो एक दूसरे को मारने चले जा रहे हैं। हाँ, मैं कैसे साइकिल से कैसे टू व्हीलर खरीदूंगा, मैं कैसे फोर व्हीलर खरीदूंगा, मैं कैसे मैं एक एक, 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 एक रॉयल लाइफ को जीऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये बड़ी गंभीर बातें हैं जो हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं। हाँ मेरे, हम अपने अजीजा अपने तरीके से जीना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, मुझे इससे मतलब नहीं है। हाँ, मेरे सामने सब नीचे रहने चाहिए, मेरा नाम सबसे ऊंचा होना चाहिए, मुझे इससे मतलब है। हालेलुया, आज बड़ी गंभीर बात है मेरे प्रियो। जब ये रास्ते, जब ये योजनाएं, जब ये विचारधारा लेकर जब जीते हैं, हम परमेश्वर के अनुसार नहीं जीते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते, और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जिएंगे, परमेश्वर एक गुलामी से निकाल करके लाया, जिन लोगों को परमेश्वर ने बड़े ही बंधन और गुलामी से छुड़ाया था। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं किसी इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, आज परमेश्वर में मेरे प्रियो आपका और मेरा जो मोल है बहुत अनमोल है, और इसलिए परमेश्वर ने, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर मौका देता है, परमेश्वर कुछ भी करने से पहले वो मौका देता है मेरे प्रियो। और देखिए मैंने पहले भी बताया था, नीनवे का जिक्र जो बाइबल में लिखा है, उसको पलटने से पहले उसने मौका दिया, और मौका क्या दिया उसने, मौका ये दिया नीनवे के लोगों को कि भैया अब से 40 दिन पहले बाद वो नीनवे को पलट देगा, लेकिन नीनवे के लोग उस मौके को मेरे प्रियो समझ गए, और उन्होंने अपना पाप को स्वीकार करा, अपने रास्तों को, अपने कुमार्गों को छोड़ दिया जो परमेश्वर के विरुद्ध था। हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था। मैं आपको आज बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आज आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आज आपको स्पष्ट करना क्या चाह रहा हूँ मेरे चीजों, मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मुश्किलात, ये जो हालात हैं, ये किसी और के द्वारा नहीं है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं शैतान ने आक्रमण कर दिया। हालेलुया, शैतान आक्रमण कब करेगा, कुत्ता कब काटेगा। हालेलुया, मेरे प्रियो पंछी, मेरे प्रियो सांप और ये सारी चीजें कब घर में घुसती है, जब घर का दरवाजा खुला होता है। हालेलुया, मेरे प्रियो जानवर का आक्रमण करता है जब हम उसको मेरे प्रियो उसको जब मौका देते हैं, उसको कह लीजिए चिढ़ाना, उसको कह लीजिए उकसाना, उसको कह लीजिए और बातों में, तभी वो आक्रमण करता है। हालेलुया, तभी वो आक्रमण करता है। किस कारण? क्योंकि हम सही चलते हुए, राइट वे पर चलते हुए रॉन्ग वे को अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, ओ मेरे प्रियो अपनी पसंद के अनुसार जीवन को, जीवन की वे को चेंज करके, जीवन के ट्रैक को चेंज करके, ओ मेरे प्रियो सांसारिकता में और उन अभिलाषाओं में, उन बातों में जीवन जीना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा के विरुद्ध है। हालेलुया, यहाँ पर इसराइल ने भी यही किया, यहाँ पर परमेश्वर के लोगों ने भी यही किया, जिन लोगों को परमेश्वर स्वयं ले जा रहा था, जिन लोगों की परमेश्वर स्वयं अगुवाई कर रहा था, यहाँ पर उन लोगों ने यही किया। और क्या किया, देखिए क्या कह रहा है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। देखिए मेरे जी, हाँ यहाँ पर हमारे लिए वो दिखावटी, वो मांस, वो मांस, वो पानी, वो मदरा, हालेलुया,
वो मद्रा, वो आराम, वो अयासी, वो व्यभिचार नहीं है जो हम गुलामी में करते थे। हालेलुया। आज भी मेरे अच्छी जो आज भी बहुत सारे लोग इस हालात में उन चीजों को ढूंढ रहे हैं, आज भी उन्हीं चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। कहां से हमारी अयासी पूरी होगी, कैसे हम आनंद के साथ, कैसे हम भोग विलास के साथ जीवन जिए। आज लोग इसलिए दुखी नहीं है कोरोना क्यों है, आज लोग इसलिए चिंतित नहीं है कोरोना कब जाएगा, आज लोग दुखी इसलिए है कैसे हमें पीने को मिलेगा, कैसे हमें पाप करने को मिलेगा, कैसे व्यभिचार में हम लोग लीन होंगे, कैसे हमारी अय्यासी की जिंदगी शुरू होगी। मेरे प्रियो, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, आज बहुत सारे लोगों को शायद ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच बात है, मैं आपसे छिपा सकता, आप मुझसे छिपा सकते, हम एक दूसरे से छिपा सकते, लेकिन कदापि और कभी भी हम परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। मेरे अजीजो, हम कदापि और कभी भी और कैसे भी परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। वो परमेश्वर जो हमारे भारी रूप को निवरण अंदरूनी रूप को भी देखना चाहते, हम उसे कदापि नहीं छिपा सकते। आज लोग इसलिए चिंतित नहीं है कोरोना कब जाएगा, आज लोग इसलिए चिंतित नहीं है कोरोना कब खत्म होगा, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में बोझ नहीं, वो अपने लिए सोच रहे, दूसरों के लिए नहीं सोच रहे। मेरे अजीजों, मैंने देखा है, मेरे प्रियो, मैं देख रहा हूँ, मैं विजिट कर रहा हूँ, पिछले इन चार महीनों से मैं एक दिन अपने घर में नहीं बैठा, एक दिन भी मैं अपने घर में नहीं बैठा, मैं कंटिन्यू विजिट कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मेरे प्रियो, मैं बहुत सारे लोगों की ओपिनियन, बहुत सारे लोगों की विचारधारा को सुनता हूँ हर दिन। आज लोगों के हृदयों में मैंने ये नहीं देखा कि वो अपना कहे कि भैया बहुत हो गया, बहुत ऐश की जिंदगी जी ली, बहुत सब कुछ करके दे लिया, चलो थोड़ा हम परमेश्वर की ओर फिर करके चले, परमेश्वर की बाइबिल को पकड़ लें, परमेश्वर की आज्ञा को पकड़ लें, परमेश्वर की शिक्षा को पकड़ लें। नो, नेवर, कभी नहीं मैंने ये सुना अभी तक इन चार महीनों में। अभी भी लोग कि कब मैंने मेरे अजीजों कैसे हम करेंगे, और सब कुछ बर्बाद हो गया, चार महीने हो गए मिले हुए, पांच महीने हो गए, तीन महीने हो गए देखे हुए, और ये सब कुछ चल रहा है मेरे। हालेलुया। दिस इज नॉट राइट, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं, ये परमेश्वर के अनुसार, ये वचन परमेश्वर के विरुद्ध है मेरे प्रियो। आपका ये जीवन, यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही किया, वो कुड़कुड़ाने लगे, वो परमेश्वर की रोटी अर्थात परमेश्वर की आज्ञा और उसकी शिक्षा, उसके वचन को तुच्छ जानने लगे, उसकी अगुवाई को उन्होंने तुच्छ जान लिया, उसकी आज्ञा को, उसकी इच्छा को उन्होंने ठुकरा दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ, हम धर्म और जाति की बात नहीं कर रहे, हम आज बात कर रहे हैं इंसान की। आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, कुरान शरीफ उठा लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब उठा लीजिए, भागवत उठा लीजिए, यजुर्वेद उठा लीजिए, गीता उठा लीजिए, आप बाइबल उठा लीजिए, आप कोई सा भी धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, किसी धर्म ग्रंथ में मुझे ढूंढ करके बताइए कि कोई भी धर्म ग्रंथ आपको गलत शिक्षा देता हो, कोई भी धर्म ग्रंथ आपको गलत रास्ता दिखाता हो, कोई भी धर्म ग्रंथ आपको, मेरे प्रियो, गलत करने के लिए अग्रसर करता हो, लेकिन फिर भी हम, मेरे अजीजों, बात धर्म और जाति की करते हैं, लेकिन हम अपने आप को बिगाड़ बैठे, अपने कामों को बिगाड़ बैठे, अपने चाल चलन को बिगाड़ बैठे, परमेश्वर के उस धार्मिकता के धर्म ग्रंथ को भूल बैठे जिसमें लिखा है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, जिसमें लिखा है एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे की शुद्धि लो, एक दूसरे के संग रहो। हालेलुया। एक नंगा है दूसरा वस्त्र दे दे, एक भूखा उसे खाने को दे दे, लेकिन ये सब हम भुला गए। दूसरे की रोटी हम कैसे छीने, हम दिन भर प्लान करते हैं, दूसरे को हम कैसे नाश करें, हम दिन भर प्लान करते हैं, और आज तो बहुत अच्छा दुनिया में देखा जा रहा है, बिच ग्राफ्स, मत लड़िए, लड़ नहीं रहे लोग, क्या कर रहे हैं, घर में जा करके आज ही ये लीजिए पन्नी बांध करके डाल दिया, घर में जा करके कुछ फेंक दिया, हाँ मैं क्या क्या, हाँ मैं पैसे दूंगा, दूंगी मैं, बस उसका ये कपड़ा ले लो उसको नाश करो, उसका ये चीज ले लो उसका नाश करो, ये मेरे अजीज परमेश्वर को अच्छा नहीं, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। और मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं वो परमेश्वर से बलवा करते हैं, वो परमेश्वर से बलवा करते हैं, और परमेश्वर से बलवा करने वाले लोग आशीष थोड़ा ही ना होते, इसी तरह की महामारी और दुख में जो आज हमारे जीवन के, हमारे संसार के, हमारे भारत के, और हमारे, मेरे प्रियो, पास पड़ोस के हालात। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर भी इन्हीं के साथ देखिए, इन लोगों के साथ भी क्या हुआ, अतः यहोवा ने उन लोगों में क्या कर दिया, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। हालेलुया। तेज विष वाले सर्प भेजे और लोग और सर्प उनको डसने लगे, बहुत सारे इजरायली मर गए। तेज विष वाले
जिनके विष का, जिनके विष का, जिनके जहर का कोई तोड़ना था। हालेलुया, आज प्रभु परमेश्वर समझा रहा है मेरे जीजो, आप परमेश्वर के वे को छोड़ने, आप परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ने, आप परमेश्वर की अगुवाई को छोड़ने में मेरे अजीजों एक बड़ी विपत्ति में जाने वाले। बहुत सारे अभिषिक्त लोग ऑलरेडी इस कोरोना बीमारी के बाद की बड़ी दुख और बीमारी का भविष्यवाणी कर चुके हैं भविष्यवाणी पे, फिर से बोल चुके हैं कि इससे बड़ी और बीमारी आएगी। और क्यों आएंगी? क्योंकि लोग अपने लोग परमेश्वर के मार्गों को छोड़ चुके हैं, परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के वचन को छोड़ चुके हैं। आज मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का जन होने के नाते, मैं परमेश्वर का एक खादिम होने के नाते आपको केवल परमेश्वर की ओर ताकना, परमेश्वर की ओर देखना और परमेश्वर की ओर निहारने के लिए बतला रहा हूँ। क्योंकि मेरे अजीजो, मेरे प्रियो, अगर हम फोन बनाया होता तो हम इंजीनियर को पकड़ लेते। हालेलुया, घर बनाया होता तो हम एक राजमिस्त्री को पकड़ते, कोई गोल्ड की चीज बनाई होती तो हम सुनार को पकड़ लेते, लोहे की चीज बनाई होती तो हम लोहार को पकड़ लेते। लेकिन इंसान को किसने बनाया, हम किसको पकड़ेंगे? डॉक्टरों को? डॉक्टर भी आज मेरे अजीजो, मेरे प्रियो, दुनिया का हर एक व्यक्ति आज खतरे में है। पकड़ना किसको है? क्योंकि इंसानों को बनाने वाला कोई डॉक्टर, कोई इंसान नहीं, स्वयं परमेश्वर है। और इसलिए आज जरूरी है आप इंसानों में आप बचना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बचाए रखना चाहते हैं, आप अपने बालक, अपने बच्चों, अपने घराने को बचाए रखना चाहते हैं, तो जरूरी है हमें बनाने वाले को पकड़ना है। और वो बनाने वाला एक ही है, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो है सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हमें उसे पकड़ने की जरूरत है, उसकी ओर ताकने की जरूरत है। यहाँ पर इसराइलियों के लिए लिखा है कि यहाँ पर लिखा कि अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप, अतः यहोवा ने, देखिए परमेश्वर की ओर से उन पर ये विपत्ति आ गई। ये लोग जंगल में चल रहे होंगे, इन्होंने सोचा वो हो हम भयानक जंगल में आ गए, यहाँ तो सांप ही सांप है। लेकिन वचन में लिख दिया कि यहोवा की ओर से, हालेलुया, यहोवा ने लिखा कि यहोवा की ओर से, यहोवा ने उन लोग, हाँ यहोवा की ओर से लोगों में तेज विष वाले सांप थे जो उनको डसने लगे, बहुत सारे इसराइली मारे गए। मेरे अजीजो, यही होता है, अति का अंत यही है। मेरे प्रियो, जब कुदरत बिगड़ती है तो कुदरत का न्याय कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आज वही न्याय पृथ्वी पर देखा जा रहा है, ना तो एंटीडोट से, ना कोई बचाने वाला है, ना कोई सुनने वाला, ना कोई देखने वाला है। हालेलुया, बी केयरफुल मेरे जी, बी केयरफुल मेरे जी। आज हमें अपने राष्ट्रों को बदलने की जरूरत है, अपने कुकर्मों को बदलने की जरूरत है। हालेलुया, अगर आप जीवन पाना चाहते हैं, आप मेरे प्रियो जीवन जीना चाहते हैं, आज मेरे प्रियो आप जीवन में बने रहना चाहते हैं, तो सच बात है लोगों को अपने जीवन की ओर बदलने, अपने मार्गों को, अपने कामों को बदलने की जरूरत है। क्योंकि लिखा है तब सब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने पाप किया है, ताकि हमने पाप किया क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। आमीन, हालेलुया। जब इसराइलियों ने देखा कि ये सांप डसने लगे, हम मर रहे, हमारे पास कोई भी एंटीडोट्स नहीं है, कोई भी बचाव का रास्ता नहीं है, कोई भी छुटकारे का रास्ता नहीं है, कोई भी चंगाई का रास्ता नहीं है, कोई भी जीवन का रास्ता नहीं है, तो ये इसराइली लोग, ये लोग, ये धर्मी लोग, ये मेरे प्रियो, ये रास्ते से मुकरने वाले लोग, ये रास्ते को छोड़ने वाले लोग परमेश्वर की ओर फिर गए। इन्होंने परमेश्वर को पुकारा, ये परमेश्वर के दास के पास गए, ये परमेश्वर के अभिषिक्त के पास गए और इन्होंने परमेश्वर को पुकार करके विनती की और तब परमेश्वर ने उनकी सुनी और परमेश्वर ने एक रास्ता बताया कि तेज सर्प, तेज सांप वाले को एक पीतल का सांप बनाकर खंभे पर लटका दें। हालेलुया। और आज आपको एक भेद की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो, हम देखते हैं जो MBBS डॉक्टर का सिंबल होता है, हालेलुया, एक MD डॉक्टर का जो सिंबल होता है, आप देखा होगा आपने, एक प्लस के निशान पर सांप दोनों तरफ से लटके हुए होते हैं। हाँ मेरे अजीजो, ये सिंबल वहीं से आया है, ये चिन्ह वहीं से आया है, ताकि वो बीमारी में पड़ा हुआ व्यक्ति, हालेलुया, उस क्रूस पर लटके हुए सांप को, उस क्रूस पर लटके हुए परमेश्वर को जो देखेगा, जो ताकेगा, वो कदापि ना देगा। बीमारी उसका बिल्कुल भी नाश नहीं कर सकती, महामारी उसका बिल्कुल भी नाश नहीं कर सकता, तेज तेज
विष वाले सांप डस तो लेंगे, विपत्ति आ तो जाएंगी, लेकिन उसका बाल भी बाहर। हालेलुया। मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा, मैं ये बातें वचन से, मैं आपको ये बातें वचन से स्पष्ट कर रहा हूँ मेरे प्रिय। ये बात सुन लीजिए, जान लीजिए आज, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कह रहा है कि वचन में लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। हालेलुया। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित रहेगा। क्या रहेगा? वह जीवित रहेगा। और क्यों जीवित रहेगा? क्योंकि लिखा इजरायली लोग, बहुत सारे लोग मूसा के पास आके कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध गलत बोला है। वो जान गए कि हम गलत बोल रहे थे, वो जान गए थे कि हम गलत रास्ता हमने अपना लिया था, हम गलत जीवन जी रहे थे। आज मेरे अजीजो, सौभाग्य की बात है, आज बड़े आनंद की बात है कि आज हमारे पास अवसर है, समय कि हम जान लें कि हमारा रास्ता दूसरों से कुड़कुड़ाना, दूसरों के प्रति प्रतिशोध रखना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना, ये रास्ता हमारे लिए अच्छा नहीं। दूसरों का बुरा करना मेरे अजीजो, दूसरों का बुरा करना, दूसरे को गलत बोलना, गलत करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के वचन को छोड़कर चलना, परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर चलना, परमेश्वर के मेरे प्रिय समीपता से भागना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। तब इन्होंने इस बात को जान लिया और ये परमेश्वर और मूसा के पास आए और तब परमेश्वर ने इनकी सुनी और इनके लिए मार्ग बताया। और मार्ग क्या बताया मेरे प्रियो? उन्होंने बताया मार्ग में बदलू, उन्होंने एक रास्ता बताया। और रास्ता क्या बताया? कि पीतल के सांप को खंभे पर लटका देना, ताकि तेज विष वाले सांप से डसा हुआ व्यक्ति जो देख लेगा मरेगा नहीं बल्कि जीवित। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सांप, ये पीतल का सांप, ये खंभे पर लटका हुआ क्या चिन्ह है, क्या भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ मेरे जीवन, मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ इस चीज को। शान लोग ये तेज इस बार मेरे को ये बदल सकती है, इससे हम बच सकते हैं, इस भयानक परिस्थिति से, भयानक दुख से, इस भयानक महामारी से हम बच सकते हैं। परंतु किसकी ओर ताकना है हमें? उस खंभे पर लटके हुए, उस खंभे पर लटके हुए उस सांप की ओर। और सांप मेरे प्रियो, आज आज बहुत ही सारी चीजें आज यहाँ पर खोल करके बता रहा है परमेश्वर का वचन। आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 9 पद में क्या लिखा हुआ है, आप देखिए। आज हम खोलेंगे थोड़ा सा पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 9 पद। जी प्लीज पढ़ दीजिए, जिसको भी मिल गया। अच्छा ओके ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ 10:9। और इसमें स्पष्ट लिखा है कि और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। हालेलुया। हाँ मेरे अजीजो, हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुम ऐसे करना, अगर हम वैसा नहीं करते वैसा करते तो यकीनन हमारे जीवन में नाशवान काल। आज मेरे प्रियो, इस बाइबल में पहले ही बता चुका है, ये वचन पहले ही बता चुका है कि ये पृथ्वी और इस पृथ्वी का नाश कैसे होना, क्योंकि पाप की बढ़ोतरी के कारण, पाप में जीवन के कारण। क्योंकि हम सब पहले से जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है ना मेरे प्रियो, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि उसके अनुग्रह के द्वारा जीवन भी है। हालेलुया। पाप के द्वारा अगर मृत्यु है तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवन है। हालेलुया। और आज इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर की ओर ताकने में ही जीवन है। अगर हमने पाप किया है तो वचन में लिखा है कि उसने हमारे पापों को अपने लहू से शुद्ध कर दिया। हमने अगर पाप किया है तो उसने अपनी दया और कृपा और अपने प्रेम के द्वारा उससे हमें आजाद कर दिया है। और आज मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इसराइलों ने जब पाप किया, ये परमेश्वर के पास आए, तब परमेश्वर ने इनको उनके पापों से भी आजाद कर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि ये सब आजादी कब होगी, कैसे होगी। आप मेरे साथ निकाल देखिए यूहन्ना की किताब, उसका 3:14 पद पढ़िए क्या लिखा हुआ। यूहन्ना जॉन चैप्टर 3:14, यूहन्ना की किताब उसका 3:14 पद पढ़िए। बड़ा स्पष्ट लिखा है और यहाँ पर हमने बड़ी ही स्पष्ट बातों में लिखा है, मैं आपको बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ। और देखिए क्या लिखा है 3:14 में, आप पढ़ दीजिए। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, जंगल में
सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आपके और मेरे लिए चढ़ाए जाने वाला आज मेरे अजीजो सांप नहीं है, क्रूस पर यीशु मसीह है। आपके और मेरे लिए चढ़ाए जाने वाला आज कोई जीव जंतु भेड़ बकरी सुअर गधा नहीं है, केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है जो निष्पाप और निष्कलंक था। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, हालेलुया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सालों के निवारण के लिए, आज बहुत सालों के छुटकारे के लिए, आज बहुत सालों की चंगाई के लिए, आज बहुत सालों के जीवन के लिए यीशु मसीह आज भी मेरे अजीजो, ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता वो क्रूस जो खाली है उस क्रूस पर आपके और मेरे लिए चढ़ा। हालेलुया। ताकि जो कोई उसकी ओर ताके, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन। हालेलुया। आज आपके जीवन का छुटकारा, आज आपके जीवन की बढ़ोतरी, आज आपके जीवन की स्थिरता मेरे प्रिय यीशु मसीह की ओर आने से। मेरे अजीजो, आज मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह की ओर ताकना सीखिए, आपको परमेश्वर जीवन देना शुरू कर देगा। आज हम बहुत सारे इन हालातों में मेरे प्रियो अपने एफर्ट्स, अपनी पावर, अपनी प्लानिंग और अपनी व्यूज को यूज करना चाह रहे हैं, कैसे हम कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, बट दिस इज नॉट राइट। सलीब पर लटका हुआ परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु, जो मेरे प्रियो आपके और मेरे लिए हालेलुया आपसे 2020 साल पहले आया और अपने प्राणों को देकर सलीब पर मेरे प्रियो उस मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया। वो आपके इन पापों का भी खुल्लम खुल्ला तमाशा बना देगा, वो आपकी इस महामारी का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना देगा, वो आपकी इन कलेश और चिंताओं का तमाशा बना देगा। और कब बना देगा? यकीनन जब आपकी आपका ताकना लोगों से हटकर, हाँ मेरे प्रियो आपका ताकना मेरे प्रियो और नाना प्रकार की बातों से हटकर उस सलीब पर, हालेलुया, उस सलीब पर जहाँ पर यीशु लटकाया गया था आपके और मेरे छुटकारे के लिए, उस पर हो जाएगा तब आपके और मेरे लिए जीवन। हालेलुया। आपके मेरे लिए छुटकारा, आपके और मेरे लिए आशीष हो जाएगी। हालेलुया। आपके और मेरे लिए बचाव हो जाएगा मेरे प्रियो। आज मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, आज हालात सुधरने का वेट करने का टाइम नहीं है, आज मेरे प्रियो, आज मेरे अजीजों, हालात को सुधारने का टाइम है। और हालात को सुधरते हुए देखने का टाइम नहीं, आज हालात सुधारने का टाइम है। और हालात मेरे प्रियो अपने आप से नहीं सुधारे जाते, हालात सुधारे जाते हैं अपने कामों से। और यही जरूरत है कि इसराइली लोगों को परमेश्वर ने स्पष्ट, मेरे प्रियो मूसा ने स्पष्ट कहा उस क्रूस की ओर। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि जिस तरह लिखा बिल्कुल, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आप और मेरा परमेश्वर इन महामारियों, इन बीमारियों, इन कलेशों, यहाँ तक कि मृत्यु के लिए ऑलरेडी पहले से ऊंच पर चढ़ा दिया गया। हाँ मेरे प्रिय, ऑलरेडी पहले से क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आपके दुखों से, आपके जहर, आपकी जहरनुमा जिंदगी से, आपकी नाशमाननुमा जिंदगी से, आपकी पाप में जिंदगी से ऑलरेडी उसने कीमत चुका दी है सलीब पर। ऑलरेडी उसने सब कुछ चुकता कर दिया है, आपको फ्री कर दिया है। आपको करना क्या है, आपको समझना क्या है, आपको बदलना क्या है, धर्म जाति आपको बदलना क्या है, आपको केवल देखने का नजरिया, आपको केवल विश्वास का नजरिया बदलना है। और वो विश्वास का नजरिया मेरे प्रियो के सुंदर परमेश्वर को। हालेलुया। हाँ मेरे अजीजो, मेरे प्रियो परमेश्वर, मेरे अजीजो, सब लोग यही कहते हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, किसी ने ये भी बताया कि परमेश्वर ने पूछा आप कौन हैं? हालेलुया। किसी ने ये भी आपसे कहा कि आप कौन से समुदाय से हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ समुदाय नहीं, परमेश्वर के यहाँ पवित्रता और ईमानदारी, परमेश्वर के यहाँ भले और अच्छे काम चलते हैं,
परमेश्वर के यहाँ मेरे प्रियो धार्मिकता चलती है। परमेश्वर के यहाँ मेरे प्रियो काला और गोरा, मोटा और पतला, धनी और निर्धन नहीं चलता। परमेश्वर के यहाँ तेरा और मेरा नहीं चलता। परमेश्वर के यहाँ उसका और इसका नहीं चलता। परमेश्वर के यहाँ मेरे प्रियो धार्मिकता चलती है, पवित्रता चलती है। और मेरे जीजो, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पृथ्वी का जो ये अंत आ रहा है, हाँ मेरे जीजो, पृथ्वी का जो नाश आ रहा है, पृथ्वी का जो समय आ रहा है, ये इसी कारण आ रहा है कि आपका, इसका, उसका, तेरा, मेरा, ऊंच नीच, जात पात, मेरे प्रियो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतनी ज्यादा कि आज हम परमेश्वर को भूल गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर को भूल गए हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर इस मन दिला रहा है, तुम्हारे जीवन का आधार जात और पात नहीं है, तुम्हारे जीवन का आधार पैसा और बुद्धि नहीं है। आज भी वही परमेश्वर है जो आपको रख सकता है, संभाल सकता है और आपको जीवन प्रदान कर सकता है। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, मैं आपको बड़ा स्पष्ट शब्द में कहता हूं, क्योंकि मेरे अजीजों, ये बात हमारे लिए इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि हम योजनाएं बना रहे हैं, हम प्रयोजन बना रहे हैं, तरह तरह की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे कैसे नई लाइफ शुरू करेंगे, कैसे नई जिंदगी होगी, कैसे सब कुछ अच्छा होगा, कैसे सब कुछ नॉर्मल चलेगा। बट मैं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो सब तभी होगा जब आप उस लटके हुए उस परमेश्वर की ध्यान देंगे जिसने मृत्यु को हटा कर जीवन का दान, और वो जीवन का दान मृत्यु को पूछ कर केवल आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आपके लिए जीवन का दान है, आपके लिए जीवन है, आप में जीवन है मसीह का, लेकिन आप कब उस जीवन को पाएंगे? हेलो, कैसे पाएंगे आप जीवन को? किस तरह से जीवन होगा आपका? सो वी केयरफुल लिसन, आप समझिए, समझ जाइए मेरे अजीजों, अपने मार्ग, अपने रास्ते तैयार करने से विपत्ति बढ़ती है, खत्म नहीं होती, परंतु परमेश्वर की ओर ताकने से विपत्ति खत्म हो जाती है और हम स्थिर हो जाते हैं। हालेलुया। आज आपके लिए परमेश्वर का ये वचन जो मेरे को प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं आज आपके पास आया, परमेश्वर की ओर ताकना शुरू कर दिया। परमेश्वर की ओर ताकने का मतलब है अपने उन कामों को छोड़ना, अपने उन रास्तों को छोड़ना, अपने उस जीवन शैली को छोड़ना, अपने उन पापों को छोड़ना, अपने उन मेरे अजीजों उन आदतों को छोड़ना जो परमेश्वर की ओर ताकने से रोकती है। और मेरे अजीजों, मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि आपके अंदर से बेहतर आपसे बेहतर आपके अंदर का और कोई नहीं जानता। हालेलुया। आपके आपसे बेहतर आपके अंदर का और कोई नहीं जानता। यदि आप परमेश्वर को ताकना चाहते हैं, आप जीवन जीना चाहते हैं, आप आशीषित होना चाहते हैं, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, आप एक जयवंत का जीवन जीना चाहते हैं, तो अपनी उन आदतों को, अपने उन कामों को, अपनी उन अभिलाषाओं को, अपनी उन मेरे प्रियो उन योजनाओं और अपनी उन तमाम पॉलिसी को छोड़ दीजिए मेरे प्रियो जो वचन के विरुद्ध। यदि आप परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं, परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं, तो यकीनन आपको दूसरा ट्रैक छोड़ना पड़ेगा, तब आप इस ट्रैक की ओर ताकना शुरू करेंगे। हालेलुया। आप सोचते हैं कि मैं इधर भी बैठा रहूं और उधर भी बैठा रहूं, हाँ चर्च में जाऊं या कहीं भी जाऊं, आराधना करूं और घर जाकर वो ही बात करूं, तो एक बात नोट कर लीजिए, आप सामने वालों को धोखा दे परमेश्वर। पुराने बुजुर्ग कह गए कि सो सुनार की तो एक, और जब आज लोहार की पड़ रही तो झेली नहीं जा रही है, ये जान लीजिए, उसको झेल नहीं सकता कोई भी, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी। हालेलुया। सो बी केयरफुल, अगर आप उस लोहार की से बचना चाहते हैं, अगर आप उस नाशवानता से बचना चाहते हैं, आप उस मेरे प्रियो मूर्खता उस अज्ञानता से बचना चाहते हैं, तो मेरे जीजो आपको उस लोहार की से बचना पड़ेगा, अर्थात मेरे प्रियो वो काम छोड़ने पड़ेंगे, वो बातें छोड़नी पड़ेंगी, वो आदतें छोड़नी पड़ेंगी, वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा, वो जीवन शैली छोड़नी पड़ेगी जो परमेश्वर और परमेश्वर की। हाँ मेरे प्रियो, आज की ये महामारी, आज की बीमारियां मेरे प्रियो पहले से बाइबल के अंदर लिख दी गई हैं। और क्यों लिख दी गई है? क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारे चाल चलन बदल गए हैं,
हमारे बोलचाल, हमारा मिलने का तरीका बदल गया, क्योंकि आज हमारे मिलने के तरीके में मतलबी बन आ गया। हमारे मिलने के तरीके में आज मेरे अजीजों वादा खिलाफ भी आ गई है, सच्चाई नहीं रह गई है। और आज इस सच्चाई को अगर आप मेरे प्रियो इस सच्चाई को अगर आप छोड़ रहे हैं तो यकीन जानिए परमेश्वर आपको छोड़ उन बीमारियों उन दुखों में बस लोग। और जब परमेश्वर आपको छोड़ सोचिए फिर कौन आपको बचा सकता है। हाँ मेरे तो आज बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के संग में, आज जरूरी हम परमेश्वर की उपस्थिति में, आज जरूरी हम परमेश्वर के और ताबे हैं, परमेश्वर की और फिरे, आज जरूरी हम परमेश्वर के साथ। हमें इसलिए मेरा जो शीर्षक था वचन का परमेश्वर के काटने के द्वारा जीवन तो आज की करना क्या है परमेश्वर के काम। परमेश्वर के काटने का मतलब मेरे को क्या है आप समझते हैं, अपने पुराने और पुराने कामों को पूरी आदतों को और पूरे चाल चलन को बदलना। हालेलुया। हाँ मेरे और मेरे प्रियो वो हम तभी बदल सकते हैं, वो हम तभी बदल सकते हैं मेरे प्रियो जब हम आज परमेश्वर के काम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अच्छी जो मैं आज आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आपका तात्ना आज मेरे अच्छी जो केवल और वो फिर उस आपको यकीन जीवन और जीवन की आशीष से प्रदान करें। यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे और इस्तेमाल करता रहे और अपनी महिमा में आपको बनाए रखे और आपके सारे मनोरथों को पूरा करें। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।